तो ले जी, FX is back to life. हाँ, हमने ब्रेक बनाई है हाथ में. है? ये देखिए क्या. और ये देखो क्या होता है, हाथ लगाते हो. गाड़ी ऐसी आती है जब तैयार होकर जाती है तो लोग देखते हैं. अभी रेंज रोवर की शोकिया मार रहा है लाके. माय गॉड, एवरीबॉडी नोस दैट आई एम ब्रेकिंग डाउन, एवरीबॉडी नोस आई एम फेकिंग नाउ. एवरीबॉडी, ये पूरा फेंडर, ये पूरी साइड चेक करें, पूरी तरह से देखा था, ये चेक करें अब गाड़ी पूरी लुक के अंदर अपनी आ गई है आगे. जी बॉयज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, और क्या हाल है आप सब? फिट है? सब सेट है? आजकल हमारी सुबह पता कैसी होगी, क्योंकि आ गया मैं जाए सुबह होगी नाश्ते से, तो नाश्ता करते हैं उसके बाद जाके सारे सीन देखते हैं कि आज क्या क्या करना है. FX ऑन रोड लेकर आना है, K35 के पास जाना है, आपकी 74 स्टारलेट आप लोगों को दिखानी है. बाकी कोशिश करेंगे एक ब्लॉग पुराना डालें, एक ब्लॉग नया डाल दें, ताकि आप लोगों को नए नए ब्लॉग मिलते रहे. तो आपने भाई के साथ रहना, ब्लॉग को क्या नहीं करना, स्किप नहीं करना. बॉयज देखो ये पाड़ू आते साथ ही, एक सेकंड नहीं रुका. आए आए आए, आए. बॉयज नाश्ता करते हैं हम लोग और फिर निकलते हैं अपने कामों में. आपने भाई के साथ तो जीवे के दिखाएंगे, आज जीवे के पे भी काम स्टार्ट हो रहा है. आपको सीटें देनी दिखाना, 70 रुपये का लेगा सीट होगा. एक घंटा तो सीटें आ रहा है वो इस तरीके से सीटें देते हैं, फिट करवाता है, फिर हम जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ रहे. तो ले भाई आ गए हैं, और कहा था जैसे कि सुबह सुबह आपका रेडिएटर फिट होगा, नया रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है जो कि इसका फिट हो रहा है. इसको फिट करते हैं और इसको लेके चलते हैं बिलालगंज. अब आपका भाई आपको FX पे नज़र आएगा. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, अब FX तैयार करते हैं वो. अच्छा, अंदर का जो काम है ना वो उसका ये कि यार ये देखें, अब ये देखें ये हमारा कॉलम कहाँ तक पहुँच गया है. पहले डैश भी इधर तक ही था, डैश पीछे करवाए, आप कॉलम को भी पीछे करवाते हैं, गाड़ी पूरी यस पेस करवाते हैं यार. अब इसको पूरी प्रॉपर करें, इसके रिम टायर्स वगैरह खरीदें, इसकी बॉडी किट बनाएं, इसको हमने फेंडर फ्लेयर देने हैं, इसको हमने वाइड रिम्स देने हैं, वाइड टायर्स देने हैं, तो बड़ा अच्छा काम होने वाला है. तो भाई के साथ रहना, ब्लॉक को स्किप करने का वो सोचना भी नहीं है. तो ले जी FX इज बैक टू लाइफ, ठीक है जी, स्टार्ट होगी. नया रेडिएटर लग गया, ये चेक करें, फुल जैपनीज फील आ रही है, इंजन की भी रेडिएटर की भी. बाकी बॉडी को छोड़ दे, बॉडी को देख के बंदे का दिल अजीब ही होता है. अब बस इसकी यार सीट पीट अंदर रखवाता हूँ और भाई ऐसे ही लेके जाएगा बगैर स्क्रीन के. इसको इसकी सीट अंदर फिट करवाता हूँ, इसका ब्रेक का पैडल काट दिया मैंने लड़कों ने, वो करवाता हूँ, और उसके बाद बॉयज़ फिर हम इसको लेके चलते हैं. इसका स्टीयरिंग सेट करवाते हैं, इसकी ब्रेक सेट करवाते हैं, उसके बाद डेंटल पेंटर को देते हैं, ताकि यार ये गाड़ी जल्द अज जल्द सेट हो. बाकी कई गाड़ी फाइव के पास भी जाना है अभी आप लोगों की, तो आपने भाई के साथ रहना, शाम को आपको जी वैगन की अपडेट भी मिलेगी, तो भाई के ब्लॉग के साथ जुड़े रहें. चले बॉयज, बाकी हम लोग अपने डेंटर वाली साइड पे पहुंच गए हैं जहाँ हमारी सारी क्लासिक गाड़ियाँ खड़ी हुई. तो यार ये इसको हमने पूरी साइड लगवा दिया था, अस्तर आपने देखा था, ये चेक करें अब गाड़ी पूरी लुक के अंदर अपनी आ गई है आगे से. अभी अब इसका ये इंजन रूम बनवाना है, इसको सारा पेंट पुंट करवाते हैं अच्छे तरीके से, सारा सामान खुलवा के फिर ये इंजन अच्छा साफ सुफ करके कुछ पेंट शेंट करके इसको अंदर डालते हैं. बाकी ये खड़ी है आपकी के E35, और ये साइड पूरी कम्प्लीट होगी भी इसकी, ठीक है. ये जो जितना रस्ट रुस्ट है ये भी क्लीन करवाएंगे, क्योंकि पीस छिले होते हैं ना जब, तो फिर नमी से भी जो है ना जंग आता है, क्योंकि ऊपर देखें अब हालांकि शेड में खड़ी हुई है गाड़ी. बाकी फर्दर अगर इसकी दूसरी साइड के ऊपर आऊँ तो फ्रंट से पहले आपको चेक करवा देते हैं. नट, ये पूरा फेंडर, ये पूरी साइड चेक करें, पूरी लाइन गाड़ी की मिल रही है. दूसरी साइड के ऊपर आ जाएँ तो अभी साथ जी इसका पैनल लगा रहे हैं, इन्होंने काटा है तो पैनल रख के लगाने लगे. ये साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है इसकी. इस साइड के बाद जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि इसका इंजन आउट करेंगे, इसका इंजन रूम पूरा यस करेंगे, फर्श वगैरह सारे इसके नीचे से पूरे करेंगे. हाँ भाई के साथ ऐसी भाई आपको हर एक एक गाड़ी की अपडेट देता रहेगा, एक ही ब्लॉक के अंदर तो साथ रहेंगे. ये जो पेंट जो डल रहा था ये जहाँ पे फेंडर इस लाइन से आगे फेंडर फिट होता है, इससे पीछे पीछे ये दरवाजों के ऊपर आता है. और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इसका पैनल है इस साइड का, बस अब इसको फाइनल कर रहे हैं, इसको इधर लगाएंगे, उसका फ्रंट का फेंडर का नीचे का पीस लगाएंगे, और हमारी ये साइड भी फ्रंट से पूरी कम्प्लीट हो जाएगी. तो इंशाल्लाह मैं इसको ले जाऊँगा, इसका इंजन आउट करवाऊँगा, आप साथ रहें. ले जी ये पैनल साजी ने नीचे फंसा दी है, अभी इसको वहाँ से लेकर यहाँ तक पीस लगेगा, फिर ये एंड का नीचे का इतना पार्ट जो है जिस तरह आप देखें पैनल के नीचे वाला पार्ट भी नया लगाया है, उसी तरह ये नीचे वाला पार्ट भी नया लगेगा, उसके बाद ऊपर पैनल वाला पार्ट भी नया लगेगा. तो ये कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम लोग मतलब बाहर से लशपश कर रहे हैं, हम इनर चीज़ें भी जो हमें नज़र आ रही हैं गली भी, वो भी हम सारी प्रॉपर कर रहे हैं. इसीलिए आपको पता है कि हमारे पास सारी पुरानी गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं, 74 76 जितनी भी हैं, रिस्टोरेशन के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए आपके भाई के पास आ रही है. ये रीज़न है कि हमारी कोशिश होती है कि यार हम लोग कुछ भी ना छोड़ें बीच में, एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी हम पकड़ें और उसका काम प्रॉपर करें साथ रहें. Oh my God, oh, yes baby. तो बॉयज हम आ गए वापस, और ये लोंडा
अभी रेंज रोवर की शोखियां मार रहा है, लाके दिखा रहा है, आए 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 भाई 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 भाई, फुल सेक्सी यार, फुल सेक्सी। आप इसको छोड़े आए, आपको दूसरी रेंज रोवर की सीटें दिखाऊंगी। ये क्या लेदर होगा, लेदर मैं भी दिखाता हूँ, इधर आ, ये देख मैंने भी सीटें इंस्टॉल करवाई हैं, ये देख ये देख ये सीट देख कैसी लगाई है, और ये देखो क्या होता है, हाथ लगाते हो बंदा पीछे, यस यस यार, इसका ना पैडल काट गया था बंदा, ब्रेक का पैडल लगवाना है इसका। इंटीरियर इससे तो हजार दर्जे बेहतर है इसका, बहुत अच्छा इंटीरियर है ये इसका, नहीं इसका ये भारी का, ये देख, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड भाई। ये गाड़ी से पहले मैंने ही जाके देखी थी, बस मैंने व्लॉग नहीं डाला था इसका आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को इसका, हाँ अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए वो तो बताना, इसको लंडे को पकड़ लेंगे, कहीं गाड़ी लगा देंगे, अच्छा सा रिव्यू दे देंगे। तो बना के रखा मैंने अपने चैनल पे अभी तक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हम भी इसका रिव्यू ले लेंगे। बाकी इसका पैडल लगवाते हैं, ब्रेक का, और चलते हैं बिलालगंज खजल खवरियाँ कर रहे हैं। जी वैगन का क्या कर रहे हो आज, देखते हैं यार, कुछ भी नहीं आज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा आज भी, कुछ नहीं दरअसल आप जब काम रोक दो ना बीच में, फिर बंदों को वो यार एक फ्लो टूट जाता है ना, फ्लो टूट जाता है, फिर यही होता है। तो चलो फिर, चलो चले फिर, चलो चले, चलो चले, चलो चले जी भाई। अच्छा हमारे साथ पता नहीं क्या मसला है, हम लोग हर गाड़ी को ना इसी रोड पे भगाते हैं। हमारा पी सेवन है, सेवन है, और ये भजन सो थी ना कर, पता भी नहीं चला, फील भी नहीं हुआ गाड़ी के अंदर, नहीं ना फील हुई ना भाई। तो चले बॉयज चलते हैं जाके अपनी एफएक्स निकालते हैं और बोरिंग काम करते हैं, बड़े मजे कर लिए हम लोगों ने रेंज रोवर के अंदर। चले बॉयज पहुंच गए अपनी एफएक्स के अंदर, अभी ये देखें स्टीयरिंग किधर जा रहा है और मैं किधर जा रहा हूँ, और ये लड़का खोल रहा है इसके शीशे, खोल भाई शीशे इसके, कैमरा पकड़ रही है भाई जब मैं गाड़ी निकालू तो कैमरा। यस ब्रो, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं आप? ओए लैम्बोर्गिनी, मेरे पास चार्ज आ रहा है अंदर। ओए भाभी ने देख लिया ना व्लॉग तो वो फिटा, ओए इतने फूल लगा रहे। अच्छा तो वो लोगों की ब्रेकें होती है नीचे, हाँ हमने ब्रेक बनाई है हाथ में, है ये देखिए क्या मतलब है हाथ में यार, पावर स्टीयरिंग वाला आया था उसे पावर स्टीयरिंग लग नहीं रहा था, उसने ब्रेक काट दी क्या जी। अब हम ब्रेक के बगैर जाएंगे तो ये फिर कैसे लगाएंगे यार, बस ब्रेक के बगैर चलते हैं, कोई बात नहीं, वी हैव हैंड ब्रेक ब्रो। ओह माय गॉड, आप हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी चलाएंगे? चलो स्टार्ट करो, ये चेक करें हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी, इसमें जी V6 डाला है, हाथ से ब्रेक लगानी है, V6 इसमें इंस्टॉल है, देख के भाई आराम से V6 है। पावर स्टीयरिंग चेक करो, ओह शिट, एक हाजी का प्रोजेक्ट जनाजा है, एक इमरान का प्रोजेक्ट जनाजा गया यार। सीन ऐसा है कि ब्रेक नहीं है और गाड़ी रुक नहीं रही, इसकी रेस भी तेज है और अभी इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये देख रहे हैं उस पर जी एयर सस्पेंशन लगवाया है, देखिए जंप कैसे ले रही है गाड़ी, बाजो भाई बाजो। चले जी तो भाई इसको यहाँ पे लगाते हैं पूरा प्रॉपर करके और ब्रेकें लगवाते हैं, फिर आपको बताते हैं। यो बेबी लगाओ धक्का, ठीक है पैडल। चले भाई ये हमारा पैडल लग रहा है, तो ये मोटर ऊपर आ जाएगी अपनी असल जगह पे, इधर यही कहीं होती है, फिर ये सीधा करेंगे इसको पूरा प्रॉपर, मीटर या जेंट्स या पे इसकी LCD। तो ये तो बॉयज प्रोजेक्ट जनाजा नहीं, प्रोजेक्ट जनाजा अल्ट्रा प्रो मैक्स बन गया है आपको पता है, तो कोई मसला नहीं, मतलब गाड़ी ऐसी आती हैं जब तैयार होकर जाती हैं तो लोग देखते हैं, आप लोग भी देखेंगे। तो भाई सीन ये है कि ये बैटरी ली है और ये जाके इस चीज़ में लगानी है, वो आपको दिखाते हैं। FX तो अभी हमने आज के लिए छोड़ दी, इतना काम होना था हो गया, ये लेके जाते हैं लगाते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। चले बॉयज फाइनली आपकी FX आ गई थी ऑन रोड, भाई चला रहा है, ब्रेक का पैडल लग गया और ये गियर लीवर लग गया, अभी ज़्यादा पका नहीं सकते, अभी थोड़ा इसके काम शाम है, इसका टायर भी फ्लैट हुआ हुआ है इसका, तो बस अभी ये काम हो गया, अब चलते हैं जाली के पास जाके आपको दिखाते हैं जो बैटरी हमें जिस चीज़ में लगानी थी, समझ तो गए होंगे आप लोग क्या चीज़ें बाकी जाते हैं उसको करते हैं, इसको घर खड़ा करते हैं, बाकी इसके काम करेंगे हम, ताकि साथ जुड़े रहें। और ये देखें ना ये शेयरिंग अभी किधर जा रहा है, ये देखें इधर जा रहा है, इसकी सारी सेटिंग करवानी है मैंने सुबह जाके, तो आपने रहना है अपने भाई के साथ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my